स्वप्न दोष की समस्या यानी नाइटफॉल की समस्या। दोस्तों आज ये बहुत से युवाओं को ये समस्या हो रही है। होता क्या है दोस्तों, इंसान जिस तरह की चिंतन रखता है उसी तरह की चीज़ें उसे दिखाई देने लगती हैं। इसी कारण से कई लोगों को स्वप्न दोष की समस्या हो जाती है। जैसे कि आप अगर हर वक्त अश्लील विचारों में रहते हैं, स्त्रियों की कल्पना करते हैं, उनके संग की, उनके साथ काम क्रीड़ा की अगर आप विचार हमेशा अपने मन में बसाए रहते हैं, तो नींद में आपको यही चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसके कारण आपको स्वप्न दोष की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि महीने में आपको 10 से या 12 बार से भी अधिक बार ये होने लगता है। इससे आपका वीर्य नष्ट होता है, शरीर धीरे धीरे अंदर से खोखला होने लगता है, जिससे आगे चलकर आपको गुप्त रोग या सेक्स समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा सरल आसान घरेलू उपायों के बारे में, जिससे आपकी नेटवर्क की समस्या पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो ये समस्या है स्वप्न दोष की जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं आपको नाइटफॉल के लिए एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं घरेलू उपायों के बारे में। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। रात को सोते समय हाथ पैरों को धो लें और लहसुन की 2 कली ले लें। इन्हें आपको छील लेना है और इन्हें तोड़कर यानी 2 हिस्सों में करकर आपको निगल जाना है चबाते हुए, और ऊपर से पानी आपको पी लेना है। पहले दिन से आपको असर देखना जो है शुरू हो जाएगा, वीर्य की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी और नाइटफॉल भी 4 से 5 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उपाय नंबर 2 में दोस्तों ये आपको चीज़ रात को करनी है। पानी आपको लेना है कांच के गिलास में, साफ बर्तन में 1/2 गिलास, और इसमें आपको 1/2 चम्मच आंवला का चूर्ण डाल लेना है, भिगो के रख देना है। अगले दिन सुबह खाली पेट आपको इस पानी को छान लेना है और इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी मिलाकर पी जाना है। दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर ये आपकी समस्या को ठीक कर देगा, आपकी स्वप्न दोष की समस्या को ठीक कर देगा। उपाय नंबर 3 में आपको 2 पके हुए केले लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, पके हुए केले लेने हैं, और इसमें आपको क्या करना है, इसको खाने के बाद ऊपर से 1/2 गिलास गुनगुना दूध आपको पी जाना है, या फिर आप इन पके हुए केलों को दूध में मिलाकर यानी शेक बनाकर भी पी सकते हैं। 20 से 25 दिन आपको ये करना होगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है, आपका वीर्य गाढ़ा होगा, यहाँ तक कि आपको अगर आपको धातु रोग की समस्या, आपको धात गिरता है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी स्वप्न दोष के साथ साथ। अगला उपाय दोस्तों, आपको पिसी हुई धनिया लेनी है, यानी आपको धनिया चूर्ण लेना है पिसा हुआ। इसको आपको कुछ नहीं करना, ठंडे पानी के साथ निगल जाना है। रात को सोने से पहले आप ये क्रिया करें, आपको कुछ ही दिनों में स्वप्न दोष से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर तुलसी की जड़ उसको पीस लें और इसको भी आप ठंडे पानी के साथ ले लें। ये सारे उपाय दोस्तों इतने आसान हैं, आपको जल्दी ही नाइटफॉल से छुटकारा दिलाएंगे, असर पहले दिन से दिखना शुरू होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इन उपायों के साथ साथ, अगर आप आयुर्वेदिक दवा जिसका नाम है सूरज नो मोर फॉल, इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में कभी नाइटफॉल नहीं होगा, वीर्य विकार आपके दूर हो जाएंगे, वीर्य गाढ़ा होगा, शुक्राणुओं की कमी ठीक होगी, यहाँ तक कि अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या है तो वो भी इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस दवा की अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे खरीद भी सकते हैं, दवा आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी सलाह चाहिए, दवा की जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।